नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव प्रकाश और CSD टुडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई कार प्राइज लिस्ट एवं साथ में CPC कार प्राइज लिस्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं और दिखाऊंगा पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस वीडियो को मई महीने के बाद कभी भी देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके लेटेस्ट प्राइज आप लोग देख लीजिए या फिर csdtoday.com पर विजिट करके समस्त जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो प्राइस दिखा रहा हूँ वह है दोस्तों निसान के सभी मॉडलों का। तो देखिए दोस्तों, निसान और नॉन निसान के सभी मॉडलों के प्राइस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर निसान डॉटसन के जितने भी मॉडल CPC कैंटीन के थ्रू आप लोगों को अवेलेबल कराए गए हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, आपको सीरियल नंबर दिखाया गया है तो टोटल 14 मॉडल यहाँ पर लिस्टेड है। इसके बाद दोस्तों आपको इंडेक्स नंबर दिखाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मॉडल का नाम दिखाया गया है और दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कॉलम यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखे हैं ये सिर्फ आपको प्राइस कैलकुलेशन संबंधी आपको दिखाए गए हैं, लेकिन आप सबसे आखिर में देख लीजिए जहाँ पर लिखा हुआ है RTGS अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे CPC के लिए जो भी प्राइस निर्धारित किया गया है वह दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब दोस्तों ये जो प्राइस जिसमें कि RTGS अमाउंट लिखा हुआ है उस कॉलम में दिखाया गया है तो आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद जब आप गाड़ी डीलर से आप ऑन रोड डिलीवर कराते हैं तब दोस्तों आपको इसके अलावा वहाँ पर जो भी एसेसरीज लगती है उसका चार्ज देना पड़ेगा, साथ ही फास्टैग। इसके साथ ही यदि आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका चार्जेस और साथ में जो RTO चार्जेस होगा जिस भी आप स्टेट से उसको डिलीवर करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और साथ में दोस्तों जो इंश्योरेंस है वो भी आपको अलग से पे करना होगा, साथ ही जो भी टैक्स लगते हैं आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वो भी आपको वहां पर पे करने होते हैं। अब आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं CSD कैंटीन के अंदर लिस्टेड वो सभी मॉडल जो कि निसान डॉटसन के नॉन मैग्नेट वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको सबसे पहले डॉटसन रेडिगो, उसके बाद डॉटसन के जो किक्स मॉडल हैं, और इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो भी मैंने आपको मॉडल्स दिखाए हैं इनका आपको RTGS अमाउंट दिखाया गया है। साथ ही दोस्तों यदि आप लोग रैंक वाइज यह देखना चाहते हैं कौन सी गाड़ी को कौन से लोग खरीद सकते हैं या कौन कौन से रैंक के लिए कौन सी गाड़ी लागू है तो दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहां पर जा करके या फिर csdtoday.com पर विजिट करके आप लोग समस्त जानकारियां देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं दोस्तों अगले मॉडलों की ओर, है निसान के मॉडल। तो दोस्तों निसान के कुल मिलाकर के 10 मॉडल अवेलेबल कराए गए हैं CSD कैंटीन के थ्रू जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, जिसमें कि आप लोग यहां पर देख पाएंगे इनका आपको RTGS प्राइस दिखाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद आप जब भी LS ऑर्डर प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों जिस भी डीलर से आप गाड़ी को डिलीवर कराएंगे तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा अलग से जो भी RTO चार्जेस होगा, इंश्योरेंस होगा, एक्सटेंडेड वारंटी, बेसिक किट या फिर जो भी अदर एसेसरीज लगती हैं, फास्ट टैग या फिर नंबर प्लेट का जो भी चार्जेस है वह सभी दोस्तों आपको वहाँ पर अलग से पे करना होता है। साथ ही दोस्तों यदि आप लोग इन गाड़ियों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर दोस्तों इन गाड़ियों को आप लोग कहीं से भी ख़रीदना चाहते हैं ऑल इंडिया के लिए जो डील करते हैं मिस्टर सुमित सेठ जी, तो दोस्तों उनका यहां पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा हूं तो आप लोग उनसे कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लोग अन्य कार प्राइस लिस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप लोग लेटेस्ट प्राइस देखने के लिए csdtoday.com पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलता हूँ एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।